तो सीताराम भाई सारे ने तो फाइनली मैंने ये तो बता दिया है कि किस खिलाड़ी का कैसा प्रदर्शन रहेगा पिछली वीडियो में, लेकिन अब मैं ये बताने वाला हूँ आपको कि आप ड्रीम इलेवन में किसे अपनी टीम में रखें और किसे न रखें बिल्कुल ही डिटेल से। तो आप इस मुकाबले में रोहित शर्मा को अपनी टीम में जरूर रखें और कप्तान भी जरूर कर सकते हैं और वो इस कप्तान भी, क्योंकि आज के दिन रोहित शर्मा का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहने वाला है, क्योंकि रोहित शर्मा के इस मुकाबले में बहुत ही अच्छे आंकड़े बने हुए हैं। और अगले नंबर पर नाम आता है गाइस रविंदर जडेजा का। रविंदर जडेजा के भी इस मुकाबले में बहुत ही बढ़िया आंकड़े बने हुए हैं, इसलिए आप रविंदर जडेजा को कप्तान भी बना सकते हो, वो इस कप्तान भी बना सकते हो और टीम में तो जरूर रखें आज के दिन रविंदर जडेजा को। तो अगर मैं पाकिस्तान के बारे में बात करूँ तो पाकिस्तान की तरफ से नाम आता है गाइस शादाब खान का। तो आज के दिन आप एस खान को भी अपनी टीम में बिल्कुल जरूर रखें, क्योंकि इनका भी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहेगा और आप आज के दिन इन्हें भी कप्तान या वॉइस कप्तान बना सकते हो। और अगले नंबर पर नाम आता है गाइस फखर जमान का। फखर जमान को आप अपनी टीम में लें, जरूर लें फखर जमान को भी, और शाहिन शाह अफरीदी को भी अपनी टीम में लें। अगर मैं बात करूँ ऋषभ पंत की तो ऋषभ पंत को भी आप अपनी टीम में जरूर रखें। तो आप इस मुकाबले में विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव में से किसी एक को पिक कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों का मध्य से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन होगा। मैं कहना चाहूँगा कि आप इस मुकाबले में या तो सूर्य कुमार यादव को रखें या विराट कोहली को रखें। या आप पूछना चाहोगे कि हार्दिक पांड्या को, हार्दिक पांड्या का भी इस मुकाबले में मध्य से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन रहेगा, इसलिए आप हार्दिक पांड्या को भी अपनी टीम में जरूर लें। अगर इस मुकाबले में शुभमन गिल खेलते हैं तो शुभमन गिल को भी अपनी टीम में जरूर रखें और कप्तान या वॉइस कप्तान भी पिक कर सकते हैं। और यदि यशस्वी जायसवाल खेलते हैं तो यशस्वी जायसवाल के भी बहुत ही बढ़िया आंकड़े बने हुए हैं, इसलिए आप यशस्वी जायसवाल को टीम में तो रखें ही और कप्तान और वॉइस कप्तान भी जरूर बना सकते हो इस मुकाबले में। अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की तरफ से तो आप पाकिस्तान की तरफ से इकतर अहमद को ले सकते हैं अपनी टीम में, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, मुझे मामूली सा डाउट है, मैं टेलीग्राम पर आपको कन्फर्म बता दूंगा किसे टीम में ले और किसे न ले, लेकिन आप इस मुकाबले में इकतर अहमद को अपनी टीम में ले सकते हो। तो इस मुकाबले में गाइज आपको जसप्रीत बुमराह का बहुत बहुत खतरनाक प्रदर्शन भी देखने को मिल सकता है, या मध्य से थोड़ा ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि इनके राशियों और ग्रहों के अनुसार आंकड़े जैसे जैसे टीम बढ़ता जाएगा उनके बहुत अच्छे होते जाएंगे। अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है और बाद में बॉलिंग करता है तो जसप्रीत बुमराह के थोड़े और अच्छे आंकड़े हो जाएंगे, इसलिए आप जसप्रीत बुमराह को कप्तान बना सकते हो, लेकिन थोड़े से रिस्की हैं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। तो आप ग्रांड लीग के लिए कप्तान और वो इस कप्तान बिल्कुल सेफ पिक है, वो हैं रोहित शर्मा और रविंदर जडेजा। इन दोनों की दोनों खिलाड़ियों को स्मॉल लीग में भी कप्तान और वो इस कप्तान रखें और ग्रैंड लीग में भी इन दोनों खिलाड़ियों को कप्तान और वो इस कप्तान रखें। तो अब हम बात कर लेते हैं बाबर आजम की। अगर बाबर आजम पहली इनिंग में बारी लेते हैं, यानी कि पहली इनिंग में अगर बैटिंग करते हैं तो बाबर आजम का मध्य से थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन रहेगा, लेकिन अगर वो दूसरी इनिंग में बैटिंग करते हैं तो बाबर आजम का थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन रहेगा। अगर बाबर आजम सेकेंड इनिंग में बैटिंग करते हैं तो आप बाबर आजम को भी टीम में रखें, वरना बाबर आजम को ड्रॉप भी कर सकते हो। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, वरना मैंने एक वीडियो फुल डिटेल में बनाई है जिसमें मैंने हर एक खिलाड़ी के बारे में आपको बिल्कुल ही डिटेल से बताया है कि इस खिलाड़ी का कैसा प्रदर्शन रहेगा राशियों और ग्रहों के अनुसार। तो गाइज यह वीडियो छोटी जरूर है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो इसी के साथ साथ गाइज वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।